लखनऊ से खबर, जहां पर प्रमोट करने की मांग को लेकर के बीटीसी छात्रों का विरोध प्रदर्शन इस वक्त देखने को मिल रहा है। प्रदर्शन कर रहे बीटीसी छात्रों पर पुलिस ने जम करके लाठियां भाजी हैं। बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर में छात्रों का यह विरोध प्रदर्शन चल रहा था, तो बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर में छात्रों का विरोध प्रदर्शन चल रहा था। बीटीसी छात्रों का यह विरोध प्रदर्शन जो कि चल रहा था, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के ऊपर में किस तौर पर लाठियां भाजी गई हैं, यह आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं। वहां पर पुलिस की टीम मौजूद है, वहां पर प्रशासनिक अमला मौजूद है। छात्रों की तरफ से किस तरीके से यहां पर विरोध प्रदर्शन की न सिर्फ कोशिश की गई, बल्कि वहां पर हंगामा भी काफी किया गया। हालांकि इस बीच में पुलिस ने उनको हटाने की कोशिश की। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं R9 टीवी के माध्यम से, जहां पर लखनऊ में कुछ इस अंदाज में बीटीसी के छात्रों का विरोध प्रदर्शन सामने आया। देखिए, जिसमें छात्राएं शामिल हैं, जिसमें छात्र शामिल हैं। बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर में ये विरोध प्रदर्शन कर रही थी छात्राएं और छात्र, और पुलिस ने दौड़ा दौड़ा करके वहां से उनको भगाया, उनसे हटाने की कोशिश की, उनसे बात करने के उनको पहले हटाने की कोशिश की, लेकिन जब ये छात्र और छात्राएं नहीं मानी तो फिर पुलिस ने बल का प्रयोग किया। शुरुआत में हल्के बल का प्रयोग किया। हमारे सहयोगी आरके पाल हमारे साथ फोन लाइन के जरिए इस वक्त जुड़े हुए हैं। आरके पाल, अब ये विरोध प्रदर्शन किन चीजों को लेकर के, किन मुद्दों को लेकर के हो रहा था? आज ही मुख्यमंत्री ने वो की तरफ से वो सूची जारी की गई है, जिसमें 31,661 लोगों को नियुक्ति पत्र भी दिया जाना है। आपको बता दें, बीटीसी के प्रशिक्षक वो साथी हैं जो जिन्हें डीएलएफ प्रशिक्षण वाले छात्र हैं, जो कि 2019 के ये लोग हैं, चौथे सेमेस्टर के छात्र हैं। ये अपने प्रमोट करने की मांग को लेकर आज शिक्षा मंत्री के घर का घेराव किया था, जहां पे ये पहुंचे और प्रदर्शन वहां पे कर रहे थे एकत्र होकर, लेकिन पुलिस ने वहां इन्हें पहले हटाने का प्रयास किया, जिसके चलते छात्र और पुलिस में इनसे थोड़ी सी झड़प हो गई, जिसके बाद छात्र को हटाने के लिए, इन छात्रों को उग्र जो छात्र हुए थे इनको हटाने के लिए पुलिस ने इनसे हल्का बल प्रयोग किया, जिसके चलते छात्रों में कई घायल भी हो गए और सब छितर बितर हो गए। अभी इस वक्त वहां पर स्थिति कैसी है? क्या वहां से सभी छात्र छात्राओं को हटा दिया गया है, या अभी पुलिस के साथ में संघर्ष इन छात्रों का चल रहा है? आपको बता दें कि जैसा कि छात्र लाठी चार्ज हुआ, उसके बाद सब छितर बितर हो गया, जिनमें से कुछ छात्रों को गिरफ्तार भी कर लिया गया, जिन्हें अरेस्ट करके धरना स्थल भेज दिया गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया आरके पाल इन तमाम जानकारी के लिए।